नेमिंग कॉन्वेंशन दो तरीके का होता है, पहला पास्कल केस, दूसरा कैमल केस। ठीक है, तो ये पास्कल केस और कैमल केस होता क्यों है, इसको हम यूज क्यों करते हैं, तो देखो इसका पहले कुछ एग्जांपल समझते हैं तो हमें क्लियर हो जाए कि पास्कल केस और कैमल केस होता क्या है। तो देखो सबसे पहले पास्कल केस, पास्कल केस का एग्जांपल ने दिया कस्टम क्लास, तो कस्टम का सी कैपिटल है, क्लास का सी कैपिटल है, माय नेम इज अभिषेक का एम एन आई और ए कैपिटल है, ही इज माय फ्रेंड का एच आई एम एस फ्रेंड एफ फ्रेंड है, ठीक ना। और कैमल केस में ये है कि माय नेम का एम स्मॉल है बट नेम का एन कैपिटल है, योर नेम का वाई स्मॉल है बट नेम का एन कैपिटल है, हर नेम का एच स्मॉल है बट नेम का एन कैपिटल है। तो देखो इतना बस याद रखो ना कि पास्कल में हम कोई भी लिखते हैं ना तो पहला वर्ड का मतलब किसी भी वर्ड का पहला पहला कैरेक्टर अपर केस में होता है मतलब कैपिटल होता है, बट कैमल केस में जो भी हम यूज करते हैं ना तो उसमें किसी भी का पहला वर्ड का पहला कैरेक्टर स्मॉल होगा, उसके अलावा सेम सब कैपिटल होगा। एग्जाम्पल देख चुके माई नेम योर नेम हर नेम, ठीक है। और इतना याद रखो कि जो पास्कल केस होता है उसको हम क्लास का नाम डिक्लेयर करने में यूज करते हैं, और ये जो कैमल केस होता है उसको हम किसी भी फंक्शन वेरिएबल का नाम देने में यूज करते हैं। तो यार एक क्वेश्चन आता दिमाग में कि नेमिंग कन्वेंशन यूज क्यों करना, तो देखो नेमिंग कन्वेंशन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम किसी भी नाम डिक्लेयर करने जाए जावा में ना तो उसमें वाइड स्पेस अलाउ नहीं होता, ठीक ना। तो जैसे कि कस्टम क्लास है तो नॉर्मल तो हम इस तरह लिख सकते थे ना कस्टम स्पेस क्लास, बट इसमें क्या है ना कि कस्टम और क्लास एक साथ लिखना है तो हमें डिफरेंस कैसे पता चले, इसलिए हम ये नेमिंग कन्वेंशन यूज करते हैं। तो बस इतना याद रखो दो तरह का नेमिंग कन्वेंशन होता है जावा में, पहला होता है पास्कल केस, दूसरा होता है कैमल केस, और कुछ नहीं होता। और बस चलो इसको अब कोड में भी यूज करके देखते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। चलो स्टार्ट करते हैं, अपना आईडी खोलते हैं और उसमें हम नेमिंग कन्वेंशन स्टार्ट कर देते हैं। तो अब अपना हम आईडी खोल चुके हैं, इसमें कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे भी किसी भी वेरिएबल का नाम हमें डिक्लेयर करना है, तो जैसे कोई भी वेरिएबल का नाम हमें रखना है माई नेम किसी भी वेरिएबल का नाम हमें लिखना है। तो किसी भी वेरिएबल का नाम लिखना है, जैसे कि अगर इसको हमको पास्कल में लिखना है, इस नेम को अगर हमको पास्कल में लिखना है तो हमको लिखना पड़ेगा पहला एन कैपिटल होता है तो माई, फिर ये जो एन है नेम दूसरा वर्ड है, दूसरा वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट एन कैपिटल ए एन ए, और उसका थर्ड वर्ड का आई और एस, तो इसमें आई कैपिटल और एस में, तो ये होता है पास्कल। वही सेम माई नेम इज, इसको अगर हमें कैमल केस में लिखना हो, अगर हमें कैमल केस में लिखना हो तो इसमें हमको लिखना पड़ेगा सी कैपिटल ना एन कैपिटल वाई नेम का एन ए एन नेम और इसका आई एस, तो ये हो गया हमारा कैमल केस। तो पास्कल में यही होता है कि कोई भी डिक्लेयर दे दिए तो एम कैपिटल होगा एन कैपिटल होगा आई, तो यही होता है पास्कल।